नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रतलाम के शासकीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं, कमियों व कुप्रबंधन को लेकर कलेक्टर राजेश बाथम एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, बता दें, सोमवार को ही समय सीमा पत्रों की बैठक में मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को एक सप्ताह में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए चेताया गया है। अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आता है तो डीन के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी। बता दें कि पिछले सप्ताह में उज्जैन कमिश्नर ने भी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कई कमियां पाई गई थी। कमिश्नर ने नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं टीएल बैठक की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के संबंध में उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाओं में अत्यंत कमी पाई गई है। संभाग आयुक्त द्वारा भी निरीक्षण के दौरान सख्त नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज के डीन एक सप्ताह में व्यवस्थाओं में सुधार लाएं, अन्यथा सख्त एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर द्वारा बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति पर सतत निगाहें रखें, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आए। कलेक्टर द्वारा बैठक में अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई, जिसमें स्वास्थ्य, महिला का विकास विभाग, राजस्व तथा अन्य विभागों के बिंदु सम्मिलित थे। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आर एस मंडलोई तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंध में बैठक में सामने आया कि समय सीमा पत्रों के अंतर्गत 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जाना है। कलेक्टर ने उल्लेख किया कि मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मशीन द्वारा रोगियों को जो लाभ दिया जाना है वह भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई कमियां तथा कुप्रबंधन है, जिनको दूर करने के लिए तेजी से कार्य किया जाना है। शिकायत और समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर ने एक सप्ताह का समय यहाँ पर प्रदान किया है।